मुरैना जिला अस्पताल परिसर में स्थित ओम मेडिकल एजेंसी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जहां मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाई बेची जा रही है। इसकी शिकायत पर ड्रग विभाग ने कार्रवाई कर एजेंसी को फिलहाल सील कर दिया है। मेडिकल दुकान पर जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान जोखिम में डालने के लिए दवाई बेची जा रही है। ओम मेडिकल एजेंसी से कल शाम जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज के परिजन ने जब दवाई खरीदी तो वह चौंक गया। यह सभी दवाई एक्सपायर थी। इसकी शिकायत परिजनों ने ड्रग इंस्पेक्टर से की तो उन्होंने आज यह दुकान जांच के बाद सील कर दी एवं कल शाम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह सत्य पाया गया। आज सुबह एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें धर्मेंद्र शेखरवार जी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उनको ओम मेडिकल के द्वारा एक्सपायरी दवा इकोस्पोरिन एक टैबलेट बेची गई कल रात को। तो आज इन्होंने ये आवेदन प्रस्तुत किया सुबह मेरे पास, जिसके उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ जांच करने आया हूँ दुकान पे, जिसमें मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए जिसमें ये पाया गया कि शाम को रात के करीब 10 से 11 के बीच में ये आए थे और इनको दवाई दी गई थी। तो उसके आधार पर इनने एक दवा भी पेश की है जो कि एक्सपायर थी एक साल पहले की। तो उसके एवज में दुकान की जाँच की जा रही है और जाँच में विधि संगत जो भी होगा कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में दुकान में क्या नाम है तुम्हारा? आकाश तो उपस्थित है, दुकान मालिक सरिता श्रीवास्तव है जो कि अभी उपस्थित नहीं है। इसको दुकान को अभी फिलहाल सील्ड किया जाएगा। लाइसेंस इसका सी कार्रवाई की जाती है। देखा जाए सर तो और भी कई मेडिकलों पे इस तरह की अनियमितताएं पाई जाती है सर, उनकी दवाई अनियमितता पाई जाती है, उसके लिए समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी करते रहेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप भी हमें ऐसी सूचना देते रहें जिससे कि और लोग भी सतर्क रहें, कम से कम एक्सपायरी दवाई तो नहीं बेचें। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।